फाइनली आयरलैंड बांग्लादेश टूर में कोई मैच जीतने में कामयाब रहा। तीसरे और आखिरी T20 में आयरलैंड ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से हरा दिया। बांग्लादेश पहले खेलते 124 रन बना के ऑल आउट हो गई। मार्क डियर ने 3 और हैम्फ्रेज ने 2 खिलाड़ी का आउट किया। शमीम हुसैन जो थे उसने सिर्फ 50 स्कोर की बांग्लादेश की जानिब से। 125 रन का आसान अदब आयरलैंड ने 14वीं ओवर में पूरा कर लिया। पॉल स्टर्लिंग जो थे कैप्टन 9 खेला, 77 रन बना के नुमाया रहे। आयरलैंड इस तरह जो था 7 विकेटों से मैच जीत गया। साउथ अफ्रीका वर्सेस नीदरलैंड ओडीआई सीरीज का आगाज हो चुका है। साउथ अफ्रीका ने नीदरलैंड को दूसरे ओडीआई में 8 विकेटों से शिकस्त दी। नीदरलैंड पहले बैटिंग करते 46 ओवरों में 179 रन बना के ऑल आउट हो गई। मंगाला ने 3, तबरेज़ शम्सी ने 3 और नॉर्जी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। 190 रन का आसान अदब साउथ अफ्रीका ने 30 ओवरों में हासिल कर लिया। भूमा जो थे 90 रन बना के नॉट आउट रहे। साथ में ईडन मार्करम ने भी 50 स्कोर की। यूं साउथ अफ्रीका जो था 8 विकेटों से सेकंड ओडीआई जीत गया। श्रीलंकन फैंस के लिए बहुत ही बुरी खबर है। श्रीलंका जो है अब डायरेक्ट क्वालिफाई नहीं कर सकता। 2023 के 50 ओवर वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंका को अब क्वालिफाई राउंड खेलना पड़ेगा। 2023 का वर्ल्ड कप जो है इस दफा इंडिया में होना है। पहली 7 टीमें जो है वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर चुकी हैं। एक टीम रह गई, 8वीं टीम जो अभी आएगी वो डायरेक्ट क्वालिफाई करेगी 2023 के वर्ल्ड कप के लिए। बकाया जो होंगे वो क्वालिफाई राउंड खेलेंगे। श्रीलंका जो है इस दौड़ से अब बाहर हो चुका है। कल जो न्यूजीलैंड से मैच हारा था। IPL 2023 का कल से रंगारंग आगाज हो चुका है और कल ऐसा वाक्य हुआ है जिससे धोनी के फैंस बड़े खुश हैं और भंगड़े दार हैं इस बात पे। कल जो थी IPL 2023 की ओपनिंग सेरेमनी थी। ओपनिंग सेरेमनी में अरिजीत सिंह को बुलाया गया था गाना गाने के लिए। अरिजीत सिंह ने गाना गाया तो उसके बाद जो था धोनी जो था वो भी स्टेज पर आया। तो अरिजीत सिंह ने जो उसको इज्जत के तौर पर उसके धोनी के पैर छुए, जिससे जो था पूरा स्टेडियम तालियां बजाना शुरू हो गया। इस बात पे वीडियो काफी वायरल हुई है कि अरिजीत सिंह ने धोनी के पैर छुए। IPL ने PSL ओपनिंग सेरेमनी की कॉपी करना शुरू कर दी। कल IPL की ओपनिंग सेरेमनी थी, जैसे PSL में PSL की ट्रॉफी को आसमान पर दिखाया गया था, इसी तरह IPL ने PSL की कॉपी करते हुए IPL की ट्रॉफी को भी आसमान पर दिखाया गया। ये पिक्चर जो है काफी वायरल हुई है। पाकिस्तानी फैंस कह रहे हैं कि IPL जो है PSL की कॉपी करना शुरू कर दी है।